नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिहान कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपका बहुत सारा सवाल रहता है। कमेंट में बहुत सारे सवाल हैं, मैसेज आए हैं मुझे, मेल आए हैं मुझे, तो उस सवाल का मैं जवाब देने जा रहा हूं कि आप UFC ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब UFC में फ़ाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने खर्च करने पड़ते हैं, क्या क्या चैम्पियनशिप लड़नी पड़ती है, कितना टाइम लग जाता है। इन सारी बातों को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये होता होगा कि UFC क्या है। UFC का मतलब है अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट। इसका वेबसाइट है www.ufc.com। इस चैम्पियनशिप को स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? इस चैम्पियनशिप का स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये था कि बहुत सारे इफेक्टिव मार्शल आर्ट है, बट वो सामने नहीं आते उभर के। उसको सामने लाना, उसकी खोज करना कि कौन सा मार्शल आर्ट अच्छा है और कौन सा, कितने अच्छे अच्छे फाइटर हैं, उन सबको सामने लाना, दुनिया के सामने लाना। अब बहुत सारे का मन में ये डाउट होता है कि इसमें कौन कौन से फाइटर जा सकते हैं, कि कराटे वाले जा सकते हैं कि नहीं, किकबॉक्सिंग वाले जा सकते हैं कि नहीं, ये जितने भी हैं कुंफू वाले, ताइक्वांडो वाले या कोई भी आर्ट हो, उसमें जा सकते हैं कि नहीं। सभी के मन में ये डाउट रहता है कि नहीं, ये वाले नहीं जा सकते, कराटे वाले नहीं जा सकते, किकबॉक्सिंग वाले नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मार्शल आर्ट के हो, किसी भी मार्शल आर्ट के, आप चाहे बॉक्सिंग से हो, कराटे से हो, BJJ से हो, सैम्बो से हो, रेसलिंग से हो, मुई थाई से हो, जूडो से, या कोई भी आर्ट से हो, आप UFC में जा सकते हो। उसके लिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आप इस आर्ट से रहेंगे तो ही आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। ऐसा कुछ उनका रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको UFC में जीतना है, क्वालिफाई करना है, अच्छे रैंक में लाना है, तो आपको किसी एक स्टाइल पर निर्भर नहीं होना होगा। ये नहीं कि आप अगर ताइक्वांडो से हैं या किकबॉक्सिंग से हैं या बॉक्सिंग से हैं या मुई थाई से, सिर्फ एक आर्ट से सीखकर नहीं होगा। आपको 3-4-5 जितना ज़्यादा ज़्यादा आप स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा UFC में जीतने के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि UFC क्या है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कॉल करते हैं कि UFC एक आर्ट है, मुझे वो चीज़ सीखना है, UFC सीखना है। तो उनको आज मैं बता दूं, UFC MMA की एक सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, जो MMA की फाइट ऑर्गेनाइज करती है, करवाती है उनको। 1993 में UFC का पहला इवेंट हुआ था। 1990 के दौरान जब MMA होता था, उस वक्त फाइट के कोई भी नियम नहीं थे, कुछ भी मार सकते थे आप, कहीं भी मार सकते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद UFC में कुछ नियम स्टार्ट किए गए, जैसे किसी का बाल खींचना, किसी के ऊपर थूकना, आँखों को नोचना, ग्रोइंस में अटैक करना, ये सब आप नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे नियम हैं, नियम का तो एक लिस्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जब ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको फाउल कर दिया जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई करके आपको रिंग से बाहर कर दिया जाएगा। जो बॉयज़ हैं वो टेथ गार्ड, हैंड रैपर और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, एकदम कंपलसरी है। गर्ल्स के लिए चेस्ट प्रोटेक्टर पहनना ज़रूरी है। UFC में 5-5 मिनट के 5 राउंड होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि UFC कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि आपके मन में ज़रूर होगा। तो UFC फाइटर बनना एक आसान काम नहीं है कि आप चाहे कि कल मुझे UFC ज्वाइन करना है और आपने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि अगर आप किसी भी आर्ट में नेशनल चैम्पियन अगर बनना चाहते हैं, नेशनल चैम्पियन बनना चाहते हैं, उसके लिए भी 2.5-3 साल कम पड़ जाते हैं। तो आप UFC ज्वाइन करने के लिए, जीतने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आसान होता तो बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे फाइटर हैं, सभी UFC में जाना चाहते हैं, तो सभी उसमें चले जाते और सभी पार्टिसिपेट कर पाते। जैसे हर एक का इच्छा होता है कि हम ओलंपिक में जाएं, लेकिन वो सबकी बात की बात नहीं है। आप अगर हज़ारों में एक बंदा जा पाता है, तो
आपको उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा कि वो हजारों में से एक बंदा जो हो वो आप हो, उस तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि यूएफसी जो आप ज्वाइन करने वाले हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस कितना दिन का आपको टाइम लगेगा। इसका सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर में या आप किस ऑर्गेनाइजेशन से या किस एकेडमी में ज्वाइन किए हैं उसके ऊपर में। और सबसे बड़ा आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मेहनत करते हैं उसके ऊपर में ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको कम से कम रोज़ाना 4 से 5 घंटे एमएमए की प्रैक्टिस करनी होगी। 3 से 4 साल लगातार बिना बहाना किए हुए कि आज मेरा बुखार लगा हुआ है, आज मेरा सर्दी है, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है, ये सारी बहाना को साइड करना है। करने के बाद जो डाइट फॉलो करना है, जिस तरह से नियम बनाए जाएंगे उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ये हर एक चीज़ का नियम है, आप एमएमए हो, कराटे हो, किकबॉक्सिंग हो या कोई भी आर्ट हो, सभी के ऐसे ही हैं। अगर आपको कोई लक्ष्य पाना है तो आपको एक संकल्प लेना होगा कि मुझे इस तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करना है, इतने समय में ये काम करना है, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं कि एमएमए की चैम्पियनशिप में आपको पार्टिसिपेट करने से क्या होता है। जब आप नेशनल चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ऐसे जीतते रहेंगे और अपना ट्राई ये करना है, हमें कोशिश ये करना है कि अपना एक खुद का रैंक बनाएं, अच्छे जगह पर रैंक बनाएं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी अच्छी टूर्नामेंट में जिसमें रैंक बनते हैं उसमें हमें भेजे, हमें बहुत सारे चैम्पियनशिप में खेलाएं और उसमें हम जीतते रहें, जिससे कि यूएफसी हमें रिकॉग्नाइज करें कि ये जो स्टूडेंट है ये उस लायक है कि यूएफसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते कि आप चले गए कि मुझे भैया मुझे खेलना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ कर सकते, आप उस रैंक में पहुंच गए तो आपको या तो वो रिकॉग्नाइज करें या तो आप उनको अप्रोच करें कि हम खेलना चाहते हैं इसमें। अगर उन्हें लगेगा, आपका एक सीवी रेडी करना होगा कि उसमें आपने कितने नॉकआउट किए हैं, कितने चैम्पियनशिप खेले हैं, क्या क्या आपने किया है पूरा। जैसे आप एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए जब जाते हैं तो आपको एक सीवी बनाते हैं, उस तरह से आपको सीवी बनाकर उनको देना होगा कि आपने कितने चैम्पियनशिप खेले, कितने जीते हैं, कितने आपने नॉकआउट किए हैं, कितने आपने सबमिशन लगाए हैं। ये सारी बातें को आपको ध्यान में रख के आपको एक सीवी बनाना है, उनको देना है। उसके बाद आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, फिर हो सके तो वो आपको चैम्पियनशिप में मौका दे सके और आप पार्टिसिपेट कर सकें। अब आता है ये इसका क्या एज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल आता है। एज होता कम से कम 18 प्लस होना चाहिए और आपका जो 23-25 ये जो एज है ना, ये बहुत अच्छा एज होता है। इस टाइम में प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना व्यू बता रहा हूँ कि इस टाइम में आपका अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि आप 40 के बाद आप उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है। यूएफसी का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि ऐसा 30 के बाद आप नहीं जा सकते या एमएमए आप 30 के बाद नहीं कर सकते, 35 के बाद नहीं कर सकते। बहुत सारे अच्छे फाइटर हैं जो कर रहे हैं और कर सकते हैं आप भी। लेकिन जो मैं पीक टाइम बताता हूँ, क्योंकि 18 से जो 20 साल की उम्र के आपको 17 साल 18 साल जो प्रैक्टिस करने का जो शरीर में एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाते हैं और अच्छी टाइम दे पाते हैं, जिसके कारण से आपका प्रैक्टिस जो है वो हाई लेवल पर चला जाता है। तो आप उस टाइम में अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप 18 के ऊपर में हैं और कोई भी एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एमएमए करने के लिए आपको 30 साल के नीचे रहना होगा, 40 साल का, जैसा आपका, सब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस किया है। अब आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि कितने पैसे खर्च होंगे। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। पैसे खर्च करने की बात अगर आए तो पैसे आप जैसी एकेडमी में आप ज्वाइन करते हैं उस हिसाब से आप खर्च होंगे, क्योंकि एक आर्ट सीख कर आप यूएफसी में जा नहीं सकते। क्योंकि एमएमए, अगर आप सिर्फ एमएमए करते हैं तो आपको उसमें कम से कम 3-4-5 स्टाइल सीखना होगा, तो उसके लिए आपके खर्च भी ज़्यादा होंगे। तो अराउंड आप साल का समझ लो 40-50 हज़ार रुपये खर्च पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका डाइट भी अच्छा रखना पड़ेगा, खाना अच्छा रखना है, ये सब चीज़ें। अब चैम्पियनशिप का खर्चा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप उनसे कांटेक्ट करें और वो आपको सही दिशा बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो इंडिया की एमएमए की फेडरेशन है,
जो रियल फेडरेशन है एमएमए की, मैं उसका लिंक नीचे में दे दूँ, आप उसे चेक कर लें और उसे अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं और उससे जानकारी ले लें। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, 50 के जगह पर 20 में 20,000 भी लगे और आप सीख जाएं। हमें बस आपको एक जानकारी देना था, एक अंदाजन मैंने बताया है क्योंकि कुछ लोग सीख रहे हैं, उनसे हमें आइडिया मिला है, उससे मैंने आपको बताया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय और